डियर स्टूडेंट्स, क्रॉप इम्प्रूवमेंट कोर्स GPB 311 के अंतर्गत हम राइस ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। राइस ब्रीडिंग के अंतर्गत ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हमारा डिस्कशन चल रहा है। जैसा आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इन राइस कैन बी कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज। 1 इज ब्रीडिंग फॉर हायर यील्ड और यील्ड पोटेंशियल। 2, ब्रीडिंग फॉर यील्ड स्टेबिलिटी। एंड 3, ब्रीडिंग फॉर ग्रेन क्वालिटी। We have discussed the above 2, breeding for higher yield and breeding for yield stability in previous video. Today we are going to discuss on the point 3, that is breeding for grain quality. That is more and most important, because as we know that the world have increased the total yield of food grains up to a great extent, but as per the nutritional quality we are so far back. इसलिए अभी न्यूट्रिशन क्वालिटी पर काम होना काफ़ी बकाया है, और हर ब्रीडर जानता है कि इफ़ वी गो फॉर क्वांटिटी ब्रीडिंग देन वी शुड सेक्रीफाइस फॉर क्वालिटी, एंड वी शुड गो फॉर क्वालिटी देन वी कैन सेक्रीफाइस क्वांटिटी। सो देर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन इन बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। यदि हमें ज़्यादा यील्ड चाहिए, अधिक मात्रा में पैदावार चाहिए, तो हमें उसकी जो क्वालिटी है उससे समझौता करना पड़ेगा, ये कट हो सकता है। इसलिए ब्रीडर के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इसमें एक ब्रेक थ्रो जो एक कंस्ट्रेंट्स है, मेजर कंस्ट्रेंट्स है, कि हम क्वालिटी और क्वांटिटी यानी टोटल पैदावार, टोटल यील्ड और उसकी क्वालिटी दोनों में साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करें, ऐसी वैरायटी हम तैयार करें, ये एक अभी चुनौती का विषय है। फिर भी हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए राइस क्वालिटी के लिए अगर बात करते हैं, तो राइस क्वालिटी को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 1, मार्केट क्वालिटी। 2, मिलिंग क्वालिटी। 3, कुकिंग एंड प्रोसेसिंग क्वालिटी। एंड 4, न्यूट्रिशनल क्वालिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो फॉर डिस्कसिंग टू मार्केट क्वालिटी। तो मार्केट क्वालिटी क्या है? एक किसी भी ग्रेन में, हालांकि हम यहाँ चावल की बात कर रहे हैं, धान की बात कर रहे हैं, फिर भी किसी भी ग्रेन में, किसी भी फसल में, उसकी जो जनरल अपीरेंस है, उसका जो फिजिकल अपीरेंस है, उसकी जो किसी भी ग्रेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट डिटरमाइन द मार्केट क्वालिटी नेचुरली। जैसे फॉर एग्जाम्पल राइस में हम देखते हैं कि ग्रेन का साइज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि कई जगह वैज्ञानिकों ने इसके ग्रेन को 3 प्रकार से इसको कैटेगराइज किया है, लॉन्ग ग्रेन, मीडियम ग्रेन और शॉर्ट ग्रेन। तो इसके अंदर साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेन साइज़। 2, शेप है, उसकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ग्रेन है, ऑनलेसनेस है, हल प्यूबिसेंस है, ट्रांसल्यूसेंसी है, कलर ऑफ द ग्रेन है, फ्रीडम ऑफ द चाकीनेस है, और हैविंग डोरमेंसी टू प्रिवेंट द प्रीहार्वेस्ट। तो ये सब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसकी मार्केट क्वालिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये भी एक डोरमेंसी, कई बार स्प्राउटिंग, इसमें फील्ड में स्प्राउटिंग दाने का हो जाता है, तो वो डोरमेंसी भी इसमें इंड्यूस होनी चाहिए। सो ग्रेन साइज, शेप, लेंथ, विड्थ एंड लेंथ विड्थ का रेशियो ऑफ द ग्रेन
विद अदर क्वालिटीज़ में वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन और एज पर ट्रेडिशन। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग चॉइस और अलग अलग प्रकार की इसकी डिमांड हो सकती है। तो जैसे कि सेंटेड राइस है जिसको हम बासमती राइस कहते हैं, तो इंडियन सब कंटिनेंट में इट इज़ मोस्ट फेवर्ड। अगर हमें बासमती राइस मिलता है तो हम निश्चित तौर पर उसको पहले प्रेफर करेंगे। तो इन करेक्टरिस्टिक्स को हमें इनकॉर्पोरेट करना है जब हम नई वैरायटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, नई वैरायटी तैयार कर रहे हैं। नंबर टू, मिलिंग क्वालिटी। व्हाट इज मिलिंग क्वालिटी? मिलिंग क्वालिटी जब एक धान, एक रो जो दाना है, रो जो पेडी है, वो किसी भी मिल में जाता है और उससे बाद में जो तैयार धान और चावल मिल मालिक मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है वो मिलिंग क्वालिटी है। सो इसमें हम दो तीन टर्म्स को एक बार थोड़ा सा जानकारी के लिए समझ लें, क्योंकि ये आपके पेपर के हिसाब से भी और जनरल एग्रीकल्चर के नॉलेज के हिसाब से भी ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा आवश्यक है। तो हम पैडी किसे कहेंगे? पैडी है, ब्राउन राइस है, वाइट राइस है। ब्राउन राइस और वाइट राइस में क्या मतलब मेजर डिफरेंसेस हैं? और इसमें विद्यार्थियों, जैसे हम जानते हैं कि किसी भी क्रॉप की ब्रीडिंग के समय जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी इन द सेंस हमारे दिमाग में आता है कि भाई क्वालिटी में हमें अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें चाहिए, जो उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी चाहिए, उसमें अपीयरेंस भी चाहिए, उसमें मार्केट क्वालिटी भी चाहिए, साथ में इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम एक बार ये कंसेप्ट थोड़ा सा एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पैडी, व्हाट इज पैडी? सो पैडी इज ए अनहस्क राइस ग्रेन रिसीव्ड बाय मिलर, आल्सो नोन एज रफ राइस। इट इज होल राइस ग्रेन दैट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम राइस प्लांट। इट इंक्लूड्स द हल विच इज हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग 20% ऑफ द ग्रेन साइज। देन व्हाट इज ब्राउन राइस? ब्राउन राइस इज ए कंप्लीट ग्रेन राइस विद ऑल पार्ट्स ऑफ द ग्रेन, मीन्स होल ग्रेन। इट इंक्लूड्स फाइबरस ब्रान, द न्यूट्रिशियस जर्म एंड द कार्बोहाइड्रेट रिच एंडोस्पर्म। नाउ वी शुड गो फॉर वाइट राइस। वाइट राइस क्या है? वाइट राइस हैड रिमूव्ड द ब्रान एंड जर्म विच आर द मोस्ट न्यूट्रिशियस पार्ट ऑफ द ग्रेन। दिस लीव्स द वाइट राइस विद वेरी फ्यू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सो दैट ब्राउन राइस इज कंसिडर्ड मच हेल्दियर देन वाइट राइस। यानी कि अगर कहीं बात आती है वाइट राइस, और एक्चुअली में वाइट राइस एक तरह से प्रोसेस्ड राइस है जो मिल मालिक उसको प्रोसेस करके और उसका मार्केट वैल्यू से, मार्केट डिमांड के हिसाब से उसको मार्केट में देते हैं। लेकिन न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राउन राइस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर न्यूट्रिशियस। सो इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है? ब्राउन राइस हैज़ ए बिग एडवांटेज ओवर वाइट राइस व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। ब्राउन राइस हैज़ मोर फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट अलॉन्ग विद मोर इम्पोर्टेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाइल वाइट राइस इज ए सोर्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज ओनली एंड कार्बोहाइड्रेट्स विद फ्यू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो आप समझ गए कि हमें ब्राउन राइस और वाइट राइस को किस प्रकार से समझना है, किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की हमने बात करी थी। ये क्या होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स? ये जब हम दूसरी क्रॉप पढ़ेंगे, ब्रीडिंग फॉर वीट, ब्रीडिंग फॉर ग्राउंडनट, ब्रीडिंग फॉर पल्सेज, जो भी हम दूसरी सीरियल्स या ऑयल सीड्स या पल्सेज पढ़ेंगे, तो सभी में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर को भी हमें डिस्कस करना चाहिए। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या होता है? एनी कंपाउंड दैट मे रिड्यूस आवर बॉडीज एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल फाइटिक एसिड है, फाइटेट है, एक तो ये बात है कि वो हमें
उसमें जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने में इंटरफेयर करे, और दूसरा कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज हो सकते हैं जो कि हमारी बॉडी को सीधे सीधे हार्म करें। टॉक्सिक सब्सटेंस का भी, हर टॉक्सिक सब्सटेंस का एक पर्टिकुलर लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर जाने पर ही वो टॉक्सिक सब्सटेंस कहलाएगा और एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की कैटेगरी में आएगा, जैसे ब्राउन राइस में थोड़ा सा आर्सेनिक पाया जाता है, तो इसके भी हमें ध्यान रखना चाहिए ब्रीडिंग करते समय। अब मिल्ड राइस क्या होता है, मतलब हम मिल्ड राइस एक्चुअली में किसको कहेंगे जो मार्केट में जाता है, ए प्रोसेस इन विच द पैडी इज प्रोसेस्ड इन राइस फॉर रेडी टू सेल इन द मार्केट, ये मिल्ड राइस कहलाता है। राइस मिलिंग क्या होती है, राइस मिलिंग मीन्स रिमूवल ऑफ हस्क, दैट वी कैन से डी हस्किंग ऑफ पेडिग्रेन एंड ब्रान टू ऑब्टेन एडिबल पोर्शन ऑफ राइस फॉर कंजप्शन। द प्रोसेस हैज टू बी एकम्प्लिश्ड विद केयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्रीकेज ऑफ द कर्नेल एंड इम्प्रूव द रिकवरी ऑफ द पैडी। तो जो मिल्किंग प्रोसेस है इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो दाना जो है ना ज़्यादा टूटे नहीं, उसका ब्रेकेज नहीं हो, तो टूटे हुए दानों की जो है ना संख्या क्वालिटी को डिटरमाइन करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कुकिंग क्वालिटी ऑफ राइस। तो कुकिंग क्वालिटी में चूँकि हम सब जानते हैं चावल को उबाल के पानी में उबाल के ही खाया जाता है, पानी में उबाल के पकाया जाता है और उसको जो उपभोक्ता है जो कंज्यूमर है वो इस्तेमाल करता है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, जेनेटिक ट्रेड्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए और वेराइटी का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें कर्नेल एलोंगेशन, दूसरा वॉल्यूम एक्सपेंशन और कर्नेल एक्सपेंशन, भाई उसमें कितना फूलता है वो दाना, कितना वो पकने के बाद में उसके आकार प्रकार में चेंजेस लाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना पानी क्षमता है उसको एब्जॉर्ब करने की, जेल कंसिस्टेंसी, ये करेक्टरिस्टिक है जिसको एक स्टैंडर्ड मेथड द्वारा लेबोरेटरी में मेजर किया जाता है। इसी प्रकार से एरोमा, यानी वेदर राइस इज सेंटेड और नॉट, से फॉर एग्जांपल बासमती। नेक्स्ट है एमाइलोज कंटेंट, एक ये एमाइलोज होता है जो हम ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, एमाइलोज कंटेंट हायर प्रिफर करते हैं, वैज्ञानिक या ब्रीडर चाहता है कि जो वैरायटी वो विकसित कर रहे हैं उस वैरायटीज में एमाइलोज कंटेंट ज़्यादा हो। इसका भी मेजरमेंट भी स्टैंडर्ड मेथड के द्वारा लेबोरेटरीज में ही संभव है, देख करके हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसकी जो मेजरमेंट है 15-37% के करीबन इसमें वेरी करता है, वेरी फ्रॉम वेराइटी टू वेराइटी। तो हाई एमाइलोज कंटेंट इज प्रेफर्ड बिकॉज हाई एमाइलोज कंटेंट इज एसोसिएटेड विद नॉन स्टिकी कुकिंग करेक्टरिस्टिक्स, यानी अगर ज़्यादा एमाइलोज कंटेंट है तो चिपचिपापन कम होगा, दाना पकने के बाद में पानी में बॉईल करने के बाद में खुला खुला और नॉन वैक्सी होगा। ऐसे ही जिलेटिनाइजेशन टेम्परेचर, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसको ध्यान में हमें रखना चाहिए। तो ये इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो डिटरमाइन करती है इसकी क्वालिटी को। और स्टार्च टू स्वेल इरिवर्सिबली इन हॉट वाटर विद साइमल्टेनियस लॉस ऑफ क्रिस्टलिटी, दिस रेंजेज 56-70°C टेम्परेचर। तो इस प्रकार से कुकिंग क्वालिटी और प्रोसेसिंग क्वालिटी को भी हमें ब्रीडिंग करते समय, वैरायटी तैयार करते समय। अब आता है इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल क्वालिटी आज की डेट में, आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता बिल्कुल न्यूट्रिशनल क्वालिटी पे भी फोकस करता है, जो परचेजिंग कैपेसिटी है उपभोक्ता की बढ़ रही है तो उसको, ये तो अब जो
अन्न की जो उत्पादन है वो इतना हो चुका है कि हम सेल्फ सफिशियंट है, इंडिया आत्मनिर्भर बन चुका है, और इसलिए उपभोक्ता को बहुत आसानी से अवेलेबल है सभी चीज़ें मार्केट में, लेकिन अब न्यूट्रिशनल पर वो ध्यान देता है, इसलिए अकॉर्डिंगली हमें यानी ब्रीडर को, साइंटिस्ट को भी न्यूट्रिशनल क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए और दे भी रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी की जब बात करेंगे तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ये नेगेटिवली कोरिलेट है, यानी अगर क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो क्वालिटी डाउन जाती है। तो जब न्यूट्रिशनल क्वालिटी की बात करेंगे तो स्पेशली राइस के अंदर, ये चूंकि सीरियल क्रॉप है तो इसमें मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो तो कार्बोहाइड्रेट है, फिर भी इसमें प्रोटीन, जो भी सीरियल है प्रोटीन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सीरियल क्रॉप्स। जैसे राइस में अभी 7-8% जो है प्रोटीन पाया जाता है, हालांकि ये जो 7-8% जो प्रोटीन है इसकी क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन की जब क्वालिटी की हम बात करेंगे तो हम जैसे ब्रीडिंग फॉर राइस वैरायटीज की हम बात कर रहे हैं तो हमें हायर यील्ड भी चाहिए, हमें हायर न्यूट्रिशन क्वालिटी भी चाहिए, हायर न्यूट्रिशन क्वालिटी में हमें ज़्यादा प्रोटीन भी चाहिए, हायर प्रोटीन भी चाहिए, और हायर प्रोटीन के अंतर्गत क्या आता है प्रोटीन में, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमें चाहिए, और उनका बैलेंस, तो इसमें जो अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है उनका, उनकी जो है ना परसेंटेज वो एज कम्पेयर टू अदर सीरियल्स अच्छा होता है, से फॉर एग्जांपल लाइसिन, और इनका बैलेंस भी जो अमीनो एसिड्स का आपस में बैलेंस है वो भी इसमें अच्छा होता है। तो इसलिए इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं या हमें करने चाहिए ताकि हमें एक लाइसिन कंटेंट को बिना कम किए प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाना है और टोटल ग्रेन को भी बढ़ाना है, इसलिए ब्रीडर को इस दिशा में काम करना चाहिए। और कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं राइस के लिए, हर क्रॉप के लिए कुछ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे ब्रीडिंग फॉर अपलैंड राइस, जैसी कंडीशन, जैसी इकोलॉजिकल कंडीशन में, चूँकि जैसे हमने पहले के डिस्कशन में बताया कि राइस बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड की क्रॉप सीरियल्स में, खाद्यान्न के हिसाब से मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो है ना वो राइस एज ए स्टेपल फूड के रूप में इस्तेमाल करता है कंट्री वर्ल्ड का, तो जिस प्रकार की इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसी प्रकार के हमें कुछ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करना चाहिए। तो ब्रीडिंग फॉर अपलैंड राइस, ब्रीडिंग फॉर डीप वाटर राइस और ब्रीडिंग फॉर फ्लोटिंग राइस, तो जो इकोलॉजिकल कंडीशंस हैं इनको ध्यान में रखते हुए भी हमें ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर राइस वी हैव टू डिसाइड। आज इस प्रकार से ये ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स वाला जो कंपोनेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है, और इसका समराइज रूप में अगर हम सारांश रूप में एक बार पुनः स्मरण करें, क्योंकि इसमें दो वीडियो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स के हो चुके हैं, तो एक बार अगर हम इसको एक बैकअप के रूप में और एक समराइज के रूप में देखें तो मेन मेन जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन पर ब्रीडर को काम करना चाहिए, दे आर लिस्टेड एज ऑन द ऑन योर PDF। तो सबसे पहले अर्लीनेस है, डीप वाटर एंड फ्लड रेजिस्टेंस है, लॉजिंग रेजिस्टेंस है, ड्रॉट रेजिस्टेंस है, नॉन शेटरिंग ऑफ ग्रेन्स है, डोरमेंसी ऑफ सीड है, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, हाई रेस्पॉन्स टू हैवी मैन्यूरिंग, स्पेशली नाइट्रोजन अपटेक कैपेसिटी ऑफ द वेराइटी शुड बी इंक्रीज्ड। इसी प्रकार से अगर डीप रूटेड डीप वाटर कंडीशंस में ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें प्रमुख प्रमुख जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट वी हैव टू कंसिडर इन आवर माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रीड फॉर राइस वेराइटीज, नंबर वन ड्रॉट टॉलरेंस ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ स्टेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू मोर नोड्स विद शॉर्टर इंटरनोड्स टू अवॉइड लॉजिंग। नंबर थर्ड अर्ली वीगर ऑफ द सीडलिंग। नंबर फोर अर्ली इंटरनोड एलोंगेशन। नंबर फाइव फोटो इंसेंसिटिविटी
insensitivity. Number 6, development of adventitious roots from upper nodes. Number 7, high nodal tillering. Number 8, ability to withstand soon after germination of the seed. So, ये सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबको माइंड में रखते हुए, हमें अपना जो वैरायटी डेवलपमेंट है, वैरायटल डेवलपमेंट है, वो बनाना चाहिए. इसी प्रकार का प्लांट आइडियोटाइप बनाना चाहिए और इसी प्रकार का जो है ना अपने प्लांट आर्किटेक्चर, जिसको जेनेटिक आर्किटेक्चर ऑफ द प्लांट, वो बनाना चाहिए और उसके बाद उस पर काम करना चाहिए. ये मैंने इसकी PDF भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी है. तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ आपको इस राइस के चैप्टर के बारे में काफ़ी समझ में आ गया होगा. फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं, कोई बात हो वो पूछ सकते हैं. धन्यवाद.